अगर मेरी आवाज आ रहा है और आप देखो दोस्तों कैसे घपा घप खा रहा है ये कल्ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दो तीन दिन से ब्लॉग थोड़ा कंटिन्यू नहीं हो रहा पा रहा था, क्योंकि बार बार मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ परेशानियां है जो आपको मैं बताया नहीं हूँ। वो ये है कि एक दो बात बच चुका है जिसको मैं मैनेज करना चाहता हूँ, इसी के लिए इधर उधर भागते रहता हूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। बीच में होटल खोलने चला गया, कुछ परेशानी का निदान हो गया, लेकिन वहाँ पर भी नहीं हो सका उस तरह से, इसी के लिए थोड़ा ब्लॉग में कंटिन्यू नहीं हो पा रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि होटल में काम ही इतना होता है ना, और मैं थोड़ा लेट गया था क्योंकि सामान वामान इकट्ठा करने में, और डर भी रहता है किराए भाड़े पे है तो उसका जो है आपको रेंट लगेगा, तो अगर नुकसान लग गया तो आपको पैकेट से देना पड़ेगा, और जाना जाके वही हो जाता है बार बार, तो थोड़ा भी दिक्कत चल रहा है दोस्तों। इसके लिए ब्लॉग कंटिन्यू करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, नहीं मिल पा रहा था समय, क्योंकि होटल में बहुत काम होता है। आप अदर जगह जाके जब काम करते हैं तो वहाँ भी और भी ज़्यादा परेशानी होता है, क्योंकि आपको हर चीज़ इकट्ठा करना पड़ता है, तो समय से पहले आप गए तो ठीक है, नहीं गए तो दिक्कत हो जाती है। वही दिक्कत मेरे साथ हुआ दोस्तों, जिसके वजह से मैं तो गया सही, लेकिन वहाँ पर जा करके मैं परेशान हो गया। टाइम से बेटाइम पहुँचा तो कस्टमर तो था, लेकिन उस तरह सेल नहीं हो पाया, तो प्रॉफिट नहीं हो पाया और ब्लॉगिंग भी नहीं हो पाया, क्योंकि समय ही नहीं बना, खुद से सब कुछ करना पड़ा दोस्तों, इसलिए आप लोगों को कुछ नहीं आगाह कर सके। लेकिन आज का प्रोग्राम अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज पता चला है कि बलियास में है जलसा, तो हम आपको जलसे में ज़रूर शिरकत करेंगे हम, और आपको भी इसका ब्लॉग में दिखाएंगे आपको कि वहाँ पर क्या क्या सुनने को सीखने को मिलता है। आप भी हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू रहें ताकि हम आपको इस तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखा सकें। और चूँकि अभी थोड़ा संसाधनों का कमी है मेरे पास दोस्तों, मोबाइल मेरा गर्म हो जाता है अब, क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड हो गया, पुराना हो गया है, तो मोबाइल भी नया लेना है, तो अभी पैसे है नहीं जो मोबाइल लूँ, इसलिए इधर उधर दौड़ रहा हूँ कि मोबाइल थोड़ा चेंज कर लूँगा ना तो ब्लॉगिंग करने में अच्छा होगा। अब वहाँ पर गया ओढ़नी डैम, तो आपको सही से शायद नहीं दिखता होगा वीडियो में, चूँकि वीडियो तो बनाया सही, लेकिन उसमें क्वालिटी वो नहीं आ सका, अपलोड किया तो उसमें क्वालिटी डाउन हो गया, जबकि HD में डाउनलोड किया अपलोड किया। ये सब परेशानियाँ आ रही है दोस्तों, तो धीरे धीरे उसको कंटिन्यू करेंगे, सही करेंगे, ताकि आपको ब्लॉगिंग भी सही से दिखने को मिले, वीडियो भी सही से देखने को मिले, अच्छा लगे। तो इसी के साथ आगे चलते हैं, आपको ब्लॉग में कंटिन्यू रहना है। ये इंतखाब भी खट खट करेगा, करो देखना हाथ पे ना लगे वरना हंसी निकल आएगी। तुम यहाँ क्यों आया है? क्यों आया? पेंट करवाने। कौन सी पेंट करवाएगा तुम? पेंट है तो शाम हो चुकी है और हम लोगों की तैयारी है जो आपको बोले थे पहले। ये देखे पीछे में तैयार बन खड़े हैं, कुछ बोलो इंतक, कुछ तो बोलो, कुछ बोलो रे। तो दोस्तों वो कुछ बोलना नहीं चाह रहा है अभी, धीरे धीरे सी लोग की चलानी हो रही है, उधर थोड़ा अंधेरा रहेगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन उजाले में जैसे जाएंगे आपसे कुछ बात करेंगे। फाइनली दोस्तों अब हम लोग मुकाम पे पहुंचने वाले, रास्ता है पूरा खराब था इसलिए रास्ते का कुछ भी आपको दिखा नहीं पाते, क्योंकि अकेला चलाने वाले और बाइक से आना पड़ा, और पीछे में जो बच्चे वो भी उसमें से एक सो गया है, तो आप देख सकते हैं ये है बलियास, यहीं पर होने वाला है जलसा, तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहें और आपको हम जलसा गाह तक हम आ चुके हैं, अब जलसा आपको आगे का हम दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देख कितना ये तो थोड़ा अच्छा भी है, देखते होंगे कि थोड़ा सेम है, ये गाँव का रास्ता है दोस्तों, सनहौला से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर पड़ता है दोस्तों। अब पूरा रास्ता वहाँ से सनौला से जैसे आप निकलोगे पूरा रास्ता ख़राब है, अभी ये रास्ता बना हुआ नहीं है, जिसके कारण ज़्यादा ही परेशानी होता है। देख सकते हैं ये मार्केट यहाँ पे लगा, यानी दुकान लगा है बलियास जलसा में, ये बच्चों को झूलने के लिए झूला है, ये है आपका बाजे के लिए यानी कि साउंड के लिए लगाया गया है, और ये है हलवा पूड़ी। वहाँ करके इंतखाब जो है ठेला चालक बन गया, अभी एक गाड़ी पे पूरा सो रहा था, क्या रे तुम गाड़ी पे सो रहा था, तुम्हारा नींद पूरा हो गया हैं? इधर देखो इधर तुम्हारा नींद पूरा हो गया, अभी तुम्हारा नींद खुल गया यहाँ पर।
ये चाय का दुकान है दोस्तों। ये दुकान या झकास लगे ये दोस्तों, ये आगे में आपको सीख कबाब मिलेगा। ये पूरा दुकान सजा हुआ है पॉपकॉर्न। ये आपको छोटा सा स्टॉल मिल जाएगा, यानी कि आपको कोल्ड ड्रिंक टाइप का मिलता है। क्या कत्ता चालक लोग कैसा लगा कबाब खाने में, इस पे बोलो खाने में अच्छा लगा रे? कैसा लगा जोर से बोलो। और अपने काम के लिए इंजाम दे। तो हम लोग दोस्तों पानी पूरी खाएंगे देसी स्टाइल में, देख सकते हैं बच्चा पानी पूरी बेच रहा है। ये पानी पूरी दोस्तों इतना बड़ा बड़ा एकदम पानी पूरी। कुछ दिया नहीं इसमें रे, कहाँ नजर लो रे बड़ा मुश्किल। अरे पानी तो सब गिर गया। आए देखा दोस्तों अवल तमस कवारी, देखते पूरा एक बार मुंह में ले सकता है नहीं। जो पूरा मुंह में एक ही बार ले लेगा दोनों में से उसको इनाम मिलेगा। दो पानी पूरी ज़्यादा खा के देगा, ये तो हाँपा खपा के खा रहा है, तुम तो भी खाया नहीं। देन देना देना अल तमस अंधेरे में है। ये देखे दोस्तों जरूरी ऐलान अल तवस्तो इकट्ठे खा जा रहा है। नगर के लड़के से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, होने में की मिले लज रहे गेट के पास आए। और हाँ इमली भी जलाई रहा है सांबार तवस बेटा कर चली धरतो। अब भरता था कोरंग बने प्याज और हम देवे ने कर लेनो ने तमन तो कमजोर बने लजा गेट के पास आए और अपना अपना काम जिम्मेदारी के साथ करें। ढेर नहीं खाई होगा तीन डो तो खा लिया नहीं, तीन डो खा लिया ना। हाँ बस हो गया, ये दो डो खा लिया इसका भी खत्म हो गया। दो डो हम खाए और तीन डो को खाने दो, हम खाएंगे हमने खाया ना तुम लोग। मेरी आवाज अगर आपके कानों तक गांव याद कहीं नहीं है स्टेट के पास आने की कष्ट करें मोहम्मद। बहुत बड़ा बड़ा दोस्तों लेकिन बढ़िया है। अगर गांव भी आप कहीं भी है स्टेट के पास आने की कष्ट करें क्योंकि टाइम लंबी हो चुकी है, बहुत ज्यादा हो चुका है टाइम, वक्त नहीं है। मार्केट में जो खाते हैं दोस्तों उसे थोड़ा अलग है, हमारे मार्केट में अलग हिसाब से बनता है। आप लोगों को गुजारिश किया जा रहा है कि आप लोग आ रही रहे आइए, पर आपकी नौजवानों से गुजारिश है अगर मेरी आवाज देखा इंतखाब। देखो दोस्तों कैसे घपा घप खा रहा है ये कल्ले। इंतवा का अवतार चिकन कबाब खाते हुए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपके इलाके में आपके गांव में आपके मोहल्ले में अजीमुशान कॉन्फ्रेंस पैगाम मुस्तफ़ा वोर से सरापा कुद्स बड़े ही धूमधाम से शान शौकत के साथ मनाया जा रहा है। आप तमाम लोगों ने इश्तिहार के जरिए से और भी किसी जरिए से जो मालूम हासिल की कि इस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े उलमाए कराम व शोरा आजम तशरीफ ला रहे हैं जिनमें मेहमान खुसूसी हुजूर पीरे तरीकत औलादे मखदूम सिमना
हुजूर तेरे तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मोहम्मद मुजाहिद अशरफ अशरफी अलजिलानी दामाद बरकातुहुमुल कुदसिया उनकी तशरीफ आवरी हो चुकी है और साथ ही साथ प्रिय तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मोहम्मद तशरीफ ला चुके हैं और भी उलमाए कराम व शोराए जाम तशरीफ ला चुके हैं और कुछ रास्ते में तशरीफ लाने वाले हैं। लिहाजा आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि जितनी भी जल्दी हो सके अपने जरूरियात से फारागत हासिल करके अपने कामों से अपने आप को हासिल करके जल्द से जल्द जलसगाह में आने की कोशिश करें और जितने भी जलसा के मेंबर हजरात हैं रजाकार हजरात हैं उनसे भी गुजारिश की जाती है कि आप अपने अपने कामों को संभालें और जो अभी इधर उधर घूम रहे हैं वो तशरीफ लाए जलसागार तशरीफ लाए और अपने अपने कामों को अपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। के कहाँ करो हरचंडीर हरचंडीर ना 10 रुपये अर्चना काबली चना कितना 50 ग्राम।